नमस्ते किसान भाइयों, आज जो प्लांट के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है थाई एप्पल बेर का प्लांट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल में अगर आप नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो आई थिंक वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो मैं कहने वाला हूँ, फ्लावर के टाइम में आपको ट्रीटमेंट किस तरह का करना है या नहीं है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो थाई एप्पल बेर है, देख लीजिए, इसमें अभी फ्रूट आ रही है, आ रहा है, देख सकते हैं आप। सभी पौधों में फ्रूट लगा हुआ है, या पास भी देख लीजिए, छोटा छोटा फ्रूट लगा हुआ है। ठीक है, सब भी जगह देख लीजिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, छोटा छोटा फ्रूट आ रहा है। तो दोस्तों, ये जब फ्रूट का आने का बाद जो है, जब इसमें फ्लावरिंग आएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें खाद गलती से मार डालिएगा। अगर ज़रा से भी आप 6 महीने पहले से पौधे लगाने का बाद जो है, 6 महीने के अंदर पौधे को तैयार करना है। अगर आपने फ्लावर के सीज़न में अगर आप खाद फाद यह सब डालेंगे तो आपका फूल जो है सब झड़ जाएगा। ठीक है, यह फूल सब झड़ जाएगा, इसीलिए खाद ना डालने के लिए अच्छा बेटर होगा, तो मत डालिए। यहाँ पर आप देख लीजिए। तो और एक बात है, अगर इसमें कीड़े लग गया, आप सोचते हैं कीड़े लग गया हो, तो आपको कीड़े मारने का जो दवाई होता है, स्प्रे पाउडर जो होता है, वो आप ज़्यादा मात्रा में स्प्रे मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा, जितना पहले कर रहा था उससे थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है, वरना झड़ जाएगा। तो आप इसका खेती बहुत ध्यान से करिए, और ये प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है, थाई जो एप्पल बेर प्लांट है, देख लीजिए। मेन चीज़ जो है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ज़रा सा भी गड़बड़ हो गया तो सब टूट जाएगा। यहाँ पर जो है देख रहे, सब झड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना पड़ता है आपको, जब फ्लावर के सीज़न में जो है, इसमें ट्रीटमेंट मत कीजिएगा। जो भी ट्रीटमेंट करना है पहले से कर लीजिए आप। ठीक है, अगर कीड़े फिर लग गया तो कीड़े मारने का जो स्प्रे होता है वो करिए, ठीक है, बाकी इसमें कुछ मत कीजिएगा। और जब फ्लावरिंग आपको, जब फ्रूट दे, जो फ्रूट देख रहे हैं, ये फ्रूट जब आप 10-15 ग्राम का वजन हो जाएगा, तो आप इसमें थोड़ा विटामिन भी डाल सकते हैं, ठीक है, कीड़े मारने का जो पाउडर होता है वो भी थोड़ा डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, सभी अभी फ्रूट आया हुआ है, सभी में देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। तो दोस्तों, इसका अगर रिक्वायरमेंट है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और हमारे चैनल में अगर आप नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं ऑलरेडी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और ये वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये देखिए, और एक बात मैं दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हैं काला काला हो गया है, ये खाद डालने से ऐसा हो गया है। ठीक है, इसमें खाद डाला था इसलिए ऐसे हो गया था। तो इस जो ज़्यादा बड़ी मात्रा में खाद मार डलिए तो अभी गड़बड़ हो सकता है, अभी फ्रूट भी लगा है, फ्लावरिंग भी आ रहा है। तो दोस्तों, अगर इसका पौधा का किसी को ज़रूरत पड़े तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, राकीब एप्पल बेर नर्सरी से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।